रोज नहीं अपने सीने अब्दुल अहद को नींद आ गई थी अब आके इसके पापा ने इसको उठाया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मिल गई सबसे पहले ही थी अब्दुल अहद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां बेटे बहन भाई सब कैसे हो, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे खुशबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमत हो बरकत हो सुख सेहत वाली जिंदगी हो, अल्लाह पाक सब बीमारों को शफा दे दे, सब जो औलाद के लिए तरस रहे हैं अल्लाह पाक उनकी झोलियां हरी कर दे औलाद दे दे, जब बीमार हैं उनको शफा दे, अल्लाह करे वो चलें फिरें खाएं पिएं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैंने ली है सब्जी तूरी, आज बना रहे हैं तूरी, तो मैंने कहा आपसे भी बातें शेयर करूं और सब्जी भी धोती हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक होंगे खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। मैं बना रही हूं सालन, अच्छा आपकी साइकिल भी आज हमने खड़ी है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप होती है तो हम कह रहे हैं कि ख़राब ना हो जाए। तूरी का सालन बना रही हूँ और साथ में आपको दिखाती हूँ, जुड़े रहिए हमारे साथ। घी में टमाटरों को डाल के थोड़ी देर पकाया, जब टमाटर डिज़ोल्व होने लग गए ना तो फिर सब्जी डाल दी और प्याज और क्या कहते हैं तोरी, हाँ ये कटी ही डाल दी थी। और इसमें अदरक लहसुन अम्मी नहीं डालती हैं तो मैं भी नहीं डालती हूँ, अम्मी की रेसिपी को ही मैं फॉलो करती हूँ। वैसे तो डालनी चाहिए, अच्छी बात होती है हर सब्ज़ी में अदरक लहसुन तो डाला ही जाता है, पर किसी किसी सब्ज़ी में हम लोग नहीं डालते हैं तो इसमें भी हम लोग नहीं डालते हैं। बस अब इसको मैं रख के ना हल्की आँच पर छोड़ दूँगी क्योंकि तोरी के अंदर अपना पानी होता है और वो उसी पानी में ही गल जाती है और पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, तो बस हल्की आंच पे इसको रख दे तो गल जाती है। आहत के पापा के जो कॉल जब बार बार आ रही थी कि दर्जी से पता करो मेरा सूट सिल गया कि नहीं सिला, क्योंकि मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मेरा दूसरा सूट नहीं सिला है तो यही एक मेरा सूट है, ठीक से उसको बोलो कि सी दो आज, क्योंकि आज 29वां रोज़ा है, हो सकता है सुबह ईद हो। हम आज चल रही है शुमाइला ने कपड़े धोए हैं तो इधर डाल गई हैं, बहुत ठंडी हवा भी है और धूप भी कड़ाकेदार ये देखिए धूप भी बहुत निकली हुई है। जब तक सालन बना तो फिर रोटी भी हमने बना ली और अफ्तारी का टाइम भी हो गया था, लेकिन अफ्तारी में हमने रोटी नहीं खाई थी, रोटी हमने बाद में खाई थी, अफ्तारी में बस फ्रूट्स वगैरह के साथ अफ्तारी कर ली थी। तो रोटी जो बाद में खाई ना तो बाद में आप लोगों को तोरी के जो फाइनल लुक है ना वो मैं दिखाना ही भूल गई, तो बस यहाँ पे अफ्तारी हो गई थी अब। और अफ्तारी के डेढ़ घंटे बाद मस्जिदों में ऐलान हो गया, टीवी पे ऐलान हो गया, सोशल मीडिया पे ऐलान हो गया कि भाई चांद नजर आ गया, तो सुबह माशाल्लाह से ईद है, ईद का चांद नजर आ गया भाई, ईद मुबारक चांद मुबारक। मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं जी माशाल्लाह से चांद नजर आ गया है, और मैं अम्मी को नहीं मिली, मैं अम्मी को मिल लूं। अम्मी चांद मुबारक हो, आप सबको भी चांद मुबारक। हाँ जी आप सबको भी बहुत ज्यादा चांद मुबारक हो, माशाल्लाह से ईद का चांद नजर आ गया, ऐलान हो गया अब ऑफिशियली। हाँ जी सबको खैर खुशी से ईद मनाने के लिए मत दे, आमीन सब आमीन, सबके घर में रहमत करे, आमीन आमीन, अल्लाह पाक मेरे भी नजर सलामत रखे, आमीन, मेरी नजर का मसला है अल्लाह पाक दूर कर दे, आमीन आमीन, सबकी सेहत याब कर दे, जो बीमार है अल्लाह पाक अपनी रहमत करे सबके घरों में, आमीन आमीन, अल्लाह पाक सबके घरों में ईद जो है ना वो बहुत खुशियों के साथ लेकर आए, आमीन 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 सब आमीन, आबाद रखे आमीन। नादिया के घर में रश लगना शुरू हो गया क्योंकि भाई नादिया मेहंदी लगाती है
तो ख़वातीन वैसे मगरिब से पहले भी कुछ लगवा के गई हैं, तो अभी पप्पो और अपनी बहू को लेके आई हुई हैं, वो यहाँ पे लगवा रही है मेहंदी। हम तो खैर लास्ट में लगवाएंगे, हमारे तो अपने घर में ही है ना। मैं तो भले कल ही लगवा लूँगी। टाइम अगर नादिया के पास हुआ तो, क्योंकि चांद रात को ये भी बहुत बिजी होती है, सब लोग इससे लगवा रहे होते हैं ना। आप सब देखने वाले, अरहम अरहम आया हुआ इधर, चांद मुबारक, चांद मुबारक। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी आ। कहाँ जा रहे हो? देख, ओ आहिस्ता चल, गिर जाएगा वो। इस टाइम बज रहे थे 11:30 बजे का टाइम था, तो हाथ के पापा आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँ, और मुझे भूख लग रही थी। मैं मम्मी को कह रही थी, मम्मी मुझे थोड़ी थोड़ी भूख महसूस हो रही है, तो उस टाइम मैंने थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ खाया था, रोटी भी इतनी नहीं खाई गई थी। तो फिर मैंने ऐसा किया कि 4-5 खजूरें मैंने खाई और फिर पानी पी लिया, तो उससे जो है कि भूख बंदे की ना उतर जाती है। आपके पापा का सूट यहीं पे सिल रहा था ना, तो आज है ना अब्दुल्ला कितनी दफा दर्जी के घर भेजा है कि भी सी दो भाई, आज सी दो, फाइनली सिल गए। और इनका बार बार फोन भी आ रहा था आपके पापा का कि कपड़ों का पता किया। तो अब मैंने उनको बताया कि सूट घर आ गया सिल के, तो अभी वो लेने के लिए आ रहे हैं, सूट उठाने के लिए आ रहे हैं। तो अभी इस टाइम 11 बज गए हैं और अगला सो गया है, तो आपके पापा का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। चूड़ियां मैंने पहनी है, मेहंदी अभी मैंने नहीं लगाई, ये देखी चूड़ियां रेड कलर की, और मेहंदी में लगवाऊंगी। नादिया अभी दूसरों को मेहंदी लगा रही है, उसके पास मेहंदी वाली आई हुई है, वो फारिग हो जाएगी ना, तो लगवा लूंगी। अगर अभी ना लगवा सकी तो फिर सुबह लगवा लूंगी ईद वाले दिन। तो बस आपके पापा का इंतजार कर, उनको बोला है कि ना फेनिया भी लेते आना सुबह पकाने के लिए, और थोड़ा बहुत और सामान भी बताया है जो कि सुबह ईद के लिए जरूरत होती है ना, तो वो भी मंगवाया। बस उनके इंतजार में हम बैठे हैं, और अब्दुल्ला बस हो गए हैं। अब्दुल्ला हद को नींद आ गई थी, अब आके इसके पापा ने इसको उठाया है। आइसक्रीम खानी है? ये आइसक्रीम ले आए थे, और ये मिठाई का डब्बा भी ले आए हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स ले आए हैं। ईद के दिनों में जो मेहमान वगैरह आते हैं ना, तो उनके लिए, और ये अब्दुल्लाहत के लिए आइसक्रीम इतनी सारी। मुझे भी खिलाओगे? नींद में फुल टुन हुआ है। वो देखो, वाओ अब्दुल्लाहत, देखना दो फ्लेवर। खानी है? चलो अब अब्दुल्ला चख के बताएगा दोनों फ्लेवर मिक्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यम्मी। चलो खाओ। आइसक्रीम खाने के बाद फिर से नींद आने लग गई है। ओए अब्दुल्ला, पापा क्या कह रहे हैं? पापा से ईद ही नहीं लेनी? सुबह ईद है, लेकिन अभी अभी मिल रही है, मौका ले लो। इतने नए नए नोट, गत्थी, पैसों की गत्थियां मिल रही हैं अब्दुल अहद को। ये क्या? सिर्फ 10 रुपए? ओ देख,
और वो भी खींच रहा, वो भी ले लो, जेब से निकालो सारी, पकड़ा। वाह भाई, सारे मिल गए, आप रखो। माशाल्लाह, अब्दुल्लाहत की तो भाई ईदी मिल गई, सबसे पहले ईदी अब्दुल्लाहत को मिल गई है ना। सब बच्चों को सुबह मिलेगी, लेकिन आपको पहले मिल गई। चलो अब इसको संभाल के रख लो, सुबह नए कपड़े पहनोगे ना तो फिर उसमें खर्च करना, दोस्तों को दिखाना, नए नए नोट मिले हैं। हैप्पी हैप्पी, शुक्रिया। चलो ये कोल्ड ड्रिंक तो पापा को दो फिर।